हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बच्चे दुख में जिए, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट हो। यिर्मयाह अध्याय 30 के 17 में हमारा प्रभु कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यह बाड़ी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। यहोवा क्या कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपको रोना है, गिड़गिड़ाना है, तो प्रभु के सामने रोइए, उसके सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, ठीक है ना दोस्तों। यिर्मयाह अध्याय 17 के 14 में लिखा है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। इसी प्रकार से हम लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे यहोवा, मुझे चंगा कर। मुझे कोई इंसान या कोई व्यक्ति चंगा नहीं कर सकता है, तू मुझे आत्मिक रूप से चंगा कर सकता है, और साथ ही साथ तू मुझे शारीरिक चंगाई भी दे। यदि मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा तो तेरे सुसमाचार का काम कैसे कर पाऊँगा। तो हे प्रभु, तू मुझे चंगा कर, ताकि मैं अपने पैरों से चल के तेरे पास आऊँ, तुझसे प्रार्थना करूं, ठीक है ना दोस्तों। फिलिपियों अध्याय 4 के 6 में पौलुस लिखते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे जो भी तकलीफ है, परेशानियां हैं, खाने पीने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, कपड़े की दिक्कत है, वो सब तुम मुझे दे दो। आज ही आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं पूरे तन मन से तेरी सेवा करने को तैयार हूँ, तू जो कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। यदि मेरे जीवन में सुख आए, दुख आए, वो सारी चीजों को मैं हंसते हंसते झेल लूंगा। तो मेरे प्रियो, आज से आप लोग प्रार्थना करना स्टार्ट कर दीजिए और बाइबल में भी आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए परमेश्वर आपकी क्यों नहीं सुनता है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जितना सोचे नहीं है, परमेश्वर से आप 10 रुपए की उम्मीद करते हैं, परमेश्वर आपको 100 रुपए देगा, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार देगा, अपनी टाइम से देगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, ना ही मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। आप दयालु पिता परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें बचा लिया है, यह सुंदर राह दिखाई है, सुंदर शाम दिखाई है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, आइए अपने बेटे बेटियों में वास करिए प्रभु जी। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं, हम आपसे निरंतर प्रार्थना करते हैं, आज हमारी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम जिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, उन सब के प्रश्नों का उत्तर मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, इनके घर से हर एक बीमारी दूर भागे, तकलीफें दूर भागे, उनके घर में रुपए पैसे, दाल चावल, खाने पीने की जो भी दिक्कत है प्रभु जी, वो सब आप पूरी करिए। धन्यवाद, 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 जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु जी। आप स्तुति के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें संभालने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें नई राह दिखाने के लिए प्रभु जी, हमें बचाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं हमें नाश करना चाहते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अब तक संभाला है, हमें बचा के रखा है प्रभु जी। दुष्ट आत्माएं जानते हैं हम कब पाप में गिरेंगे, हम कब विश्वास में कमजोर पड़ जाएंगे प्रभु जी। हमें दुष्ट आत्माओं से बचाइए, क्योंकि हमें वो नोचना चाहते हैं, वो हमें अपने साथ नर्क ले जाना चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हम बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, घर में हैं, कहीं पर भी हैं प्रभु जी, आपके नाम से बीमारी दूर भागे, आपके नाम से चंगाई रिलीज हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके घर से दुष्ट आत्माएं निकले। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, जीजस हालेलुया। ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे पिता परमेश्वर, सुंदर रात नहीं देख पाए होंगे, मर गए होंगे, अपने माँ बाप भाई बहन से बिछड़ गए होंगे, उनकी आत्मा एक ऐसी जगह चली गई होगी जहाँ से वे कभी नहीं आ पाएंगे।
लेकिन पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अब तक संभाला है, बचा कर रखा है, हमारे ऊपर एक आँच तक आने नहीं दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आप युगानुयुग तक हमेशा बने रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप आइए, अपने बेटे और बेटियों को ले जाइए जो आपकी सुबह शाम दुहाई देते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप स्तुति के योग्य हैं पिता। आपने हमारे लिए अपना खून बहाया, हमें चुन लिया, हमें बचा लिया प्रभु जी। आपके चेहरे पर थूका गया, आपके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया, आप हमारे लिए कोड़े खाए, सूली पर चढ़ गए, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर आप चुपचाप सहते रहे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि जिनके घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं आज बंद होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो दुष्ट आत्मा है उनके घर में काम कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। प्रभु जी आपका वचन कहता है कि कलीसिया उठा लेने के बाद एक दिन ऐसा समय आएगा, लोग अपने माता पिता को मारेंगे, बेटे बेटियों को मारेंगे, भाई बहन को मारेंगे, ऐसे दिन आने वाले हैं। कलीसिया उठा लेने के बाद मसीह विरोधी सबके ऊपर हमला कर देगा। लेकिन प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सबका उद्धार करिए प्रभु जी, उनके घरों में सबका उद्धार करिए। जो सुबह शाम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन्हें बचा लीजिए। आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप राजाओं के राजा हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा है, ना तुम उस दिन और ना उस घड़ी को जानते हो कि मैं कब आऊँगा। जैसे चोर आता है वैसे मैं भी आने वाला हूँ, इसलिए तुम जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहना। यह बात आपने अपने चेलों को बता कर गए हैं। हे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जो जाग नहीं रहे हैं, जो सो रहे हैं, जो गंदी लत में फंसे हैं, जो व्यभिचार में पड़े हुए हैं, जो पाप कर रहे हैं उन्हें बचा लीजिए प्रभु जी, उन्हें क्षमा कर दीजिए। जो अंधकार की ताकतें उन्हें परेशान कर रही हैं, उन्हें पाप में गिरा रही हैं, उन्हें हर पल पाप करने को उकसा रही हैं, लड़ाई झगड़े करवा रही हैं, आपके वचन से दूर ले जा रही हैं, आप उन्हें बचा लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया है उनके आंसू पोंछ लीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें अच्छे अच्छे भोजन खिलाइए, कोई डरावना सपना ना आने पाए। जैसे आपने रात दिखाई वैसे ही सुबह भी दिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम सुबह की प्रार्थना भी कर सकें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि जिनके घरों में रहने की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करिए प्रभु जी। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं वो हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।